कितना बजे का टाइम था? 4 बजे का। और टाइम क्या हो रहा है? 5। भाई बड़ा बेकार आदमी है, इसने कहा जिम चलेंगे 4 बजे, रेडी रहियो। मैं 4 बजे रेडी, मैं कहा फोन आएगा, फोन नहीं आया। मैं तो समोसे खा के, भाई समोसे खा पी के आराम से बैठ के, कह रहा मैं रोटी खा के आया। हाँ तो समोसे के साथ ही खाई ना रोटी मैंने। ब्लॉग और हम 1 साल बाद फिर से मिले हैं और जिम जाने के लिए रेडी हैं। अभी ऐसे रेडी हैं, अब सही बताऊँ पहली बार मैं समोसे खा के जिम जा रहा हूँ। भाई भाई मैंने समोसा खाया अभी। पागल, समोसे में क्या होता है यार, तू बुद्धे देना चाहते हैं तो। You don't see the things I see. Above the skies overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. गुरफान भाई, इफ यू वाचिंग दिस व्लॉग, लव यू यार। सो गाइस, फाइनली 1 साल बाद इस जिम में आए हैं। ओ चुप हो जा, ओ जकोई जकोई चुप हो ले। तो गाइस फाइनली 1 साल बाद जिम में आए फिर से, और एज यूजुअल इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं होता, ये हमारा खुद का ही टाइम रहता है। एंड गुरफान भाई इज लाइक रियली स्वीट गाय। लास्ट टाइम भी भाई ने बोला था यू कैन टेक द की और जब आना है आओ, और इस साल भी सेम। और ये है जो मेरे को वर्कआउट कराने में हेल्प करता था, अब नहीं करता। अब ये जलता है मेरे से भाई, ये जलता है मेरे से, बहुत ज्यादा जलता है यार। ये टी शर्ट बड़ी बड़ी है तेरी बड़ी। अरे यार तू सारे कपड़े ले ले मेरे। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरे को गलत टाइम पे लेके आया है, समोसे खाया था तो जिम ले आया। ये ऐसे सॉन्ग चलेंगे तो भाई जिम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। नाचने आया जिम करने? ना आज मैं जिम करूंगा ना आज इसको करने दूंगा मैं। गलत टाइम पे उठा के लाया भाई, गलत टाइम पे। ना ना भाई, कल 4 है तो कल 4 बजे पक्का आ जियो भाई, देख क्योंकि मैं टाइम का बड़ा बेकार हूँ। 4 से 6 इधर, उसके बाद एकेडमी। तो गाइस आज मेरा फर्स्ट डे था जिम का, और सीरियसली मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट ही वर्कआउट किया होगा, और सर मतलब हेडेक होने लग गया, चक्कर आने लग गए, बिकॉज 1 साल बाद किया है तो प्रॉब्लम तो होगी। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एक गुड न्यूज़ मेरे लिए, बेसिकली मैंने लास्ट 10 दिन के अंदर अंदर 6 किलो वेट अपना, मतलब 6 kg वेट मैंने अपना कम किया है, सिर्फ खाना छोड़ के और डाइटिंग करके। तो कर लिया, अभी भूख लग रही है। बर्गर खाएगा क्या? खिलाते भाई, मैं तो वैसे भी गेमिंग पे हूँ। रहन दे, फिर कैंसिल करते हैं। फिलहाल अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो इस वजह से कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। एंड जैसे ही घर पहुँचा अभी नहीं, कॉल आ गया कि भाई फटाफट जिम में आ यार, थोड़ी देर शांति तो लेने दो कम से कम यार। ठीक है, अभी फिलहाल जिम जाते हैं, आज फर्स्ट टाइम जिम करेंगे। ये इंसान कभी टाइम पे नहीं आता, 4 बजे का टाइम दे दिया इसने। अभी अभी टाइम क्या हो रहा है? 8। सही टाइम देखिए कितना हो रहा है, अभी टाइम दिखा। 4:21। तो फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद जिम में आया हूँ, मतलब आ रहा हूँ मैं, बट आ रहा हूँ और लेकिन जा रहा हूँ मैं, कुछ कर नहीं रहा। हर बार यही बात। क्या हर बार यही बात बोलने से नहीं, फाइनली मैं आज बहुत दिन बाद जिम आ रहा हूँ यार। आ रहा हूँ फिर मैं कर रहा हूँ इतना यार, तो करना। किसने, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, ये ले धर ले, तेरे लिए लाया था। क्या बात है, पहन ले, देखो पहन ले भाई पहन ले। मैं रास्ते में कह रहा, अरे टी शर्ट मेरे लिए लाया, मैं कहा चल दफा हो, कह रहा यार पहन तो तू नहीं, ये वाली भी बड़ी अच्छी रखी है। कितना आराम ही आज मैं अच्छा प्रॉपर वर्कआउट करने की कोशिश करूँगा। मैं पै आ गया छोरे। वैसे यार ज़्यादा अच्छी तो यार वैसे मेरे पे लगती है, चल कोई ना, बट यू कैन टेक इट। क्या करना आज, क्या करना भाई? तो मैं भी फिर सेम ही बैक। हाँ वैसे भी आजकल लोग पीठ पीछे बहुत धोखा दे रहे हैं, तो लेट्स ट्राई। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। फाइनली ही इज हियर। ये सब देखो जिम करने के बाद डाइट भी हमसे मांग रहा है भाई। ओट्स एल कार्नेट आई है, फैट बर्नर है, क्यों बन रहे जल्दी खत्म कर, प्री वर्कआउट में रखते हैं,
नो प्री वर्कआउट। ये दोस्ती का फायदा उठाते हुए जिम भी करेंगे। ब्रदर से फ्यू वर्ड्स फॉर दिस गाय जो ये भी हरकत कर रहा है उसके लिए। छिनाला। ये जिम भी यहीं करेगा और डाइट भी भाई से मांगेगा। आते ही पहले भाई का बैग चेक कर रहा है यहाँ कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। क्या 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 मतलब जिम ओनर का ही सामान छीनता है ये इंसान। ये सिर्फ तेरे पास ही आईफोन है। फिर तो लोग सही बोलते हैं। वो डायलॉग सिर्फ मेरे पे ही जस्ता है तुम्हारे ऊपर नहीं। फिलहाल कुछ दिन ऐसा है इनके दोस्त भी कहीं बोलते हैं कि काश इतना पैसा होना चाहिए जितना लोगों को लगता है कि हमारे पास है। आज का जिम सेशन खत्म हुआ और आज मैंने सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करी, बाकी मेरे से हुई नहीं। धीरे धीरे ये करेंगे। क्यों भाई आज कितने एक्सरसाइज की मैंने? एक ही की थी क्या? अच्छा हाँ तो एक ही करी है मैंने। अंकल से टाइमिंग चेंज करने की सोच रहा हूँ, इसके साथ नहीं आऊँगा मैं यार, ये वर्कआउट करने से देता मेरे को। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और चला जा रहा। ओके तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जस्ट रैंडम ब्लॉग था, तीन चार दिन की क्लिप्स पड़ी थी तो जोड़ दी। कोशिश कर रहा हूँ कि आज जिम हो जाए बट कौन एरी, बट ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा मैं, डेफिनेटली करूँगा और वो सरप्राइज रहेगा सबके लिए। तब तक के लिए बाय।